हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। यहाँ पे मैं अगर वीडियो लेकर आया हूँ बताने के लिए कि अगर आपको शेयर मार्केट हो गया या फिर मैं सिंपली अगर बात करें म्यूचुअल फंड जो ऐसा कि हम करते हैं, तो अगर आपको सेफ खेलना है, ठीक है, एकदम मैं रिस्क फ्री बात नहीं करूँगा, रिस्क फ्री मतलब एकदम से 100% आप रिस्क फ्री, लेकिन मैं जो बोलते हैं ना कि जो रिस्क है उसको मिनिमाइज़ करना है, तो उसको मैं बात कर सकता हूँ यहाँ पर किस तरह से आप इन्वेस्ट करें। जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े रिटेलर होते हैं, उसी तरह से इन्वेस्ट करते हैं किसी मार्केट में। तो ये चीज़ जो है आपको भी इम्प्रूव करनी है, अपने अंदर सीखना है, क्योंकि देखो अभी मैं बता सकता हूँ कि कई लोग जो है इस वीडियो को छोड़ के जा चुके होंगे क्योंकि उनको सीखना नहीं है और इतना प्रॉफिट कमा भी नहीं पाएंगे और लॉस भी खाएंगे, ठीक है। तो एक्चुअली देखो, पहले आपको कोई भी चीज़ अगर आपको करना है तो सीखना पड़ेगा, ठीक है। विदाउट लर्निंग कोई चीज़ करना रिस्क है और बेवकूफ़ी वाली बात भी है, ठीक है। हीट एंड डल करने से अच्छा है कि आप सीख लो और सीधा सीधा एकदम से तरीके से जो सही तरीका है उसको अपना के शेयर मार्केट में पैसा लगाओ। तो इस वीडियो में आपको मैं म्यूचुअल फंड में जो SIP करते हैं उसको लेकर समझाऊंगा किस तरह से आप डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं सिंपली म्यूचुअल फंड में ही, ठीक है। वैसे आप इन्वेस्टमेंट जब करना चाहते हैं तो वैसे हमेशा हमेशा याद रखिए डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। आप पैसा लगाए म्यूचुअल फंड में, कुछ शेयर मार्केट में लगाइए, कुछ लगाइए क्रिप्टो मार्केट में, कुछ कहीं पर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, कहीं पर रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करिए, ऐसे ही तरीके से जो है इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन आप जो अगर स्टार्टिंग करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में SIP करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास जो एक लड़का आया था उसको मतलब म्यूचुअल फंड में SIP कराना था, उसके पास 6,000 थे। तो उसको मैंने से पूछा कैसे कराऊँ, ठीक है। मुझे एडवाइस दिया कि मैं अगर स्मॉल कैप में 3,000 लगा दूँ किसी एक में, फिर जो 2,000 उसमें लगा दूँ मिड कैप में, और 1,000 लगा दूँ लार्ज कैप में। तो मेरे ख्याल से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अच्छा तरीका है, लेकिन इसको लगाने का तरीका अलग होना चाहिए, डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। तो उसको मैं कैसे बताया आपको, मैं एग्जांपल देता हूँ। हाँ, यहाँ पर उसने 6,000 के आसपास जो है SIP किया था, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर भी दिख रहा है अभी इन्वेस्ट है 6,547। तो उसका 500 जो था पहले से कहीं लगा कर रखा था, चेक करा होगा। तो यहाँ पर अगर मैं देखो SIP करता हूँ, किस में इसको मैंने लगवाया है, अगर मैं स्मॉल कैप में बात करती हूँ, देख सकते हैं स्मॉल कैप में, यहाँ पर SBI स्मॉल कैप फंड हो गया, इसमें लगवाया हूँ उसका। उसके बाद क्वांट स्मॉल कैप फंड हो गया, निपॉन का इंडिया स्मॉल कैप फंड हो गया, तो ये हो गया। और इसके अलावा तीन तो यहाँ आ गए, और टाटा स्मॉल कैप फंड हो गया, चार स्मॉल कैप फंड में यहाँ लगवा दिया मैंने, ठीक है। सब में 500-500 लगाए, हाँ क्वांट में 1,000 लगाया क्योंकि इसका मिनिमम SIP अमाउंट जो है 1,000 ही है, उससे कम नहीं कर सकते आप। इसके अलावा अगर हम बात करें मिड कैप का, तो मिड कैप में देखो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, उसमें लगवाए हैं 500 रुपये। और इसके अलावा अगर मैं आगे देखूं तो पराग पारिक फ्लेक्सी को में लगाए हैं, SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लेन में लगाए हैं, SBI मैग्राम मिड कैप डायरेक्ट प्लेन में लगाए हैं। तो ये चीज़ जो है चार लगाए हैं वो सकता हूँ मैं, और लार्ज कैप में जो है लगाए हैं। तो मैं अगर मोटी मोटी कहूँ तो इसमें 2,500 जो है स्मॉल कैप में लगा है, 2,500 लगा है मिड कैप में, और 1,000 जो है लार्ज कैप में लगा है। लार्ज कैप किस में लगा है देखो तो HDFC मिड कैप में लगा था, यहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रा जो है ये लार्ज कैप में लगाया है, HDFC जो मिड कैप में लगा है। तो लार्ज कैप में जो है SBI कॉन्ट्रा लग गया, इसके अलावा इसने एक और लगाया है मेरा एसेट लार्ज मिड कैप फंड, ठीक है, फंड लगाया है। तो इतना डाइवर्सिफाइड हो गया है, और पाई अगर मान लो SBI ग्रुप जो है, वैसे तो होगा नहीं बहुत, काफ़ी बड़ा ग्रुप है ये, लेकिन फिर भी कोई समय को जानता नहीं है। तो यहाँ पर मान के चलेगा SBI अगर गिर जाता है, डूब जाता है, तो यहाँ पर मैंने जो इतना डाइवर्सिफाइड कर दिया है, मैंने एक स्मॉल कैप में पूरा 2,500 SBI के स्मॉल कैप में लगाने से अच्छा है उसको मैंने चार में बांट दिया, ठीक है। इसलिए इतना डाइवर्सिफाइड किया है मैंने कि अगर उसको लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा भी चलाएंगे 20-25 साल, बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, कोई रिस्क नहीं है, आराम से आप अच्छे से खासा अब रिस्क फ्री होकर चैन से सो सकते हैं म्यूचुअल फंड में। अगर मैं बात हो गया, अगर बात करूँ शेयर मार्केट का, तो शेयर मार्केट का एग्जाम्पल भी आपके सामने मैं लेके आऊँगा, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊँगा, उसमें आपको डिटेल में समझाऊँगा, क्योंकि उसको थोड़ा सा अच्छे से समझाना जरूरी है। ये म्यूचुअल फंड में क्या किया है, आपके बिहार में कोई और लगाता है, बस थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में आपको सोचना है ना कि शेयर मार्केट में आपको रेगुलर बेसिस पे सोचना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना के लाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट जरूर बताइए, ऐसे ही मैं आपकी वीडियो बनाते रहूँगा और सजेस्ट करते रहूँगा कि किस तरह से आप अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप पैसा लगाइए तो अच्छा रहेगा। कई लोगों को मैंने देखा है कि क्या करते हैं कि आपके पास 6,000 है तो सीधा SBI के स्मॉल कैप में 2,500 लगा देंगे, और फिर मिड कैप में अगर आएंगे तो कॉन्ट्रा मैगना में लगा देंगे 1,000-1,500 करके लगा देंगे, फिर लार्ज कैप में बात करूँ तो SBI में लगा देंगे। तो इसमें देखो दिक्कत क्या, आपने सब SBI में लगा दिया,
ठीक है, ये सोच के कि भाई SBI जो है वो पुराना है, भरोसेमंद है, ये सोच के कई लोग लगाते हैं। लेकिन यार देखो, एक ही चीज़ में लगाना ठीक नहीं है। आप उसके कॉम्पिटिटर में और जो भी चीज़ें हैं ठीक है, उसको लगाई। जैसे मैंने स्मॉल कैप में बात करूँ, मैंने तो मैंने SBI स्मॉल कैप में तो लगाई लगाया, किसी 500 लगाया। उसके अलावा मैंने टाटा में लगा दिया स्मॉल कैप में, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। ठीक, अब देखेंगे, बहुत अच्छा रिटर्न दिया है टाटा कैप, टाटा का। तो SBI में अगर रिटर्न देखूँ मैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 28%, 33%, मतलब इससे कॉम्पिटिशन जो मैंने देखो, SBI के अलावा जो 3 स्मॉल कैप में लगा है, सिर्फ कॉम्पिटिटर में ही है। ठीक है, लेकिन अलग अलग हैं। अगर SBI एक जगह हो गया, निपोन अलग जगह हो गया, क्वांट अलग जगह हो गया, और ये टाटा अलग जगह हो गया, तो बहुत सेफ मैंने खेला है। वो लड़का जो है, बिना टेंशन लिए आराम से अपना लाइफ जी सकता है। इसके अलावा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक करिए और कमेंट जरूर बताइए कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए। मैं जरूर आपको बना के लाके आऊँगा, और बहुत सिंपल भाषा में बना के लाऊँगा। ठीक है।